सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, रियलमी 3 प्रो का यार हम सब बहुत ही बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और माधव सेठ के बारे में तो आप सभी को पता होगा, रियलमी के CEO है, बहुत सारे वो इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे चैनल पर वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर रियलमी 3 प्रो को लेकर कुछ चीज़ें रिवील्ड कर दी है, कुछ चीज़ यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी निकल के आ चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर रियलमी 3 प्रो के रिगार्डिंग क्या कुछ प्राइस पॉइंट देखने को मिलने वाला है, कौन सा प्रोसेसर रहेगा, कौन सा कैमरा देखने को मिल सकता है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सही बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं भाई, अगर आपका 15,000 के अंदर का बजट है तो मार्केट में अभी जो फिलहाल के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है Redmi Note 7 Pro। और Realme 3 Pro डायरेक्टली Redmi Note 7 Pro को हीट कंपटीशन देने वाला है भाई, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और Redmi Note 7 Pro की एक वीकनेस ये है कि भाई वो फ्लैश सेल में देखने को मिलता है और हमें परचेज करने का मौका ही नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो माधव सेठ ने सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पर क्लियर करी है कि जब भी ये पहले सेल पर यहाँ पर ऑनलाइन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक की कोशिश करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को निराश ना होना पड़े। तो Realme 3 Pro का यार आपको स्टॉक काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं होगा कि कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, आपको कुछ अच्छे खासे मिनट्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज गुड न्यूज है कि अगर आप Realme 3 Pro परचेज करने वाले हो तो आप आराम से यहां पर फोन को परचेज कर सकते हो। बाकी के सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो वीडियो में फर्स्ट लुक यार निकल के आ चुका है। बैक साइड में कंफर्म यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है वर्टिकल लाइन में, जैसे कि हमें Realme 3 Pro में देखने को मिला था। और यहाँ पर अगेन आपको बता दूं, ग्लास आने के बहुत ही कम आसार है। यहाँ पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी ही देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर भी आपको IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। साथ में परफॉर्मेंस वहाँ पर वो वीडियो में उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि स्नैपड्रैगन के साथ में ही देखने को मिलेगा। और 99% यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपको स्नैपड्रैगन 710 ही देखने को मिलेगा आपको Realme 3 Pro में। और वो बार बार यहां पर बता रहे स्पीड अवेकन, तो मतलब आपको बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ में 710 आपको यहां पर देखने को मिलेगा Realme 3 Pro में, जिसमें आप PUBG, Fortnite वगैरह गेम आराम से खेल सकते हो। कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप ही देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का कंफर्म हो चुका है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है सोनी का IMX519 सेंसर आपको देखने को मिल सकता है। 16+2 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा ये बार भी देखने को मिल सकता है। सेल्फी कैमरे के बारे में कुछ भी अभी डिटेल वगैरह निकल के नहीं आई है, लेकिन कुछ पिक्चर यहाँ पर माधव सेठ ने जो क्लिक करके शेयर करे थे उसमें यार सेल्फी कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाए। एंड्रॉइड वर्जन बताया जा रहा है लेटेस्ट, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं कि भाई लेटेस्ट आपको कलर वाइज 6 देखने को मिलेगा, बाय आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको ये बार भी बैक साइड में ही देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। माधव सर ने एक और एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दी है भाई, बैटरी के बारे में तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी कि कितनी MAH रहेगी या जो भी है, लेकिन यार एक चीज़ उन्होंने कंफर्म कर दी है कि फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स में ही देखने को मिलेगा और बॉक्स में ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फास्ट चार्जिंग दे दी और आपको अलग से चार्जर के लिए दौड़ना पड़े, आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा, जो कि ये प्राइस पॉइंट पर काफ़ी बढ़िया बात है। अब मेन बात आ जाती है भाई प्राइस पॉइंट यहाँ पर ये फ़ोन की क्या रहने वाली है, तो सीधा सीधा कंपीट करेगा यहाँ पर Redmi Note 7 Pro को। लेकिन यहां पर एक हिंट मिल रहा है कि भाई यहां पर जो इसकी 4GB 64GB वाले की जो प्राइस पॉइंट रहने वाली है वो रहने वाली है यहां पर 12,990 रुपए, मतलब 13,000 में इसका आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत ही अंदर की खबर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा। ये कुछ चीजें यहां पर रिवील्ड हुई थी माधव सेठ से। और एक और एक बड़ा अनाउंसमेंट माधव सेठ ने एक और एक चीज़ बता दी है कि 22 अप्रैल को यहाँ पर सिर्फ Realme 3 Pro देखने को नहीं मिलेगा, एक और एक Realme का डिवाइस आपको देखने को मिलने वाला है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको Realme का C2 देखने को मिल सकता है, जो कि एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन रहेगा, 7 से 8 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी ये C2 यहाँ पर 90% आपको C2 ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अंदर की खबरें थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक
लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि भाई क्या आप Realme 3 Pro परचेस करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, और आपको क्या लगता है Redmi Note 7 Pro को Realme 3 Pro हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस आई होप कि मेरे से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।